मेरे हौसलों में दम है क्योंकि मेरे वार्ड की जनता मेरे संग है। मेरे साथ अमित पंत जी मौजूद है, स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर। मेरा तो पहला सवाल आपसे यही है जी, आपने लाख कितनी भी मेहनत करी हो जी, आपने शायद सारा संघर्ष कर दिया हो जी, और सबसे बड़ी बात निर्दलीय पार्षद जी से जीतना बहुत बड़ी बात होती है जी। एक तो लोग चुनाव टिकट के लिए चुनाव चिन्ह मिल जाए हमें आगे पीछे बार बार कार्यालय जाते रहते हैं जी, जी। आपको क्यों नहीं पड़ी जरूरत जाने की? पहले तो ये देखिए, क्योंकि मैंने जनता के लिए काम किया है और मुझे ऐसा लगता है कि जनता का काम करने के लिए मुझे किसी भी पार्टी के टिकट की आवश्यकता नहीं है। जनता का भरपूर प्यार समर्थन मिला, उनका आशीर्वाद मिला, तो मैं बिना टिकट के भी इस चुनाव को जीत सकता हूँ। इसीलिए मैंने कहीं भी किसी पार्टी से टिकट का अप्लाई नहीं किया है। अच्छा, जब मैं भ्रमण कर रहा था एरिया छोटा सा, अब आपको लगता है ये MLA का चुनाव नहीं है, ना ही सांसद का चुनाव है, ना ही PM पद के लिए, ना CM पद के लिए, पर पार्षद के भी चुनाव में बहुत दम लगता है जी। क्या हम इसकी तुलना करें एक MLA और पार्षद के चुनाव में, तो कितना डिफरेंट है सर? देखिए, MLA का जो क्षेत्रफल होता है वो बड़ा होता है और पार्षद का क्षेत्रफल छोटा होता है। एक तो बेसिक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, जो पार्षद होता है वो डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा होता है, MLA डायरेक्ट पब्लिक से नहीं जुड़ा होता है। और जो बेसिक समस्या होती है पब्लिक की, मूलभूत समस्याएं होती है, उनको लेकर डायरेक्ट पब्लिक पार्षद के पास आती है, ना कि MLA के पास जाती है। और MLA पब्लिक के परिवार का सदस्य की तरह होता है, किसी को कोई भी दिक्कत आती है वो तुरंत पार्षद के घर आकर कार्यालय आकर उनको बताता है कि पार्षद जी हमारे वार्ड में ये समस्या है और इसका आप समाधान कीजिए, और पार्षद तुरंत उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संज्ञान लेता है और उसका तत्काल समाधान कराता है। फिर भी लोग क्यों नाराज हैं आपसे? क्या वाकई आपने कोई काम नहीं किया है या किसी और ने काम करके चले गए हों आपके इलाके में? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि 100% तो एक कार्यकाल में सारी पब्लिक को संतुष्ट करना संभव नहीं है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी से भी बहुत लोग नाराज होते हैं जी। बहुत लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर से भी नाराज रहते हैं। यदि बात नाराजगी की है लोगों की, तो वो तो 100% लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक कार्यकाल यदि और मिलेगा तो मैं जो ये नाराज लोग हैं उनको भी संतुष्ट करने का काम करूंगा और उनको भी जो उनकी नाराजगी है उसको दूर करने का काम करूंगा। इसीलिए मैं एक बार और पुनः लड़ना चाहता हूँ उस चुनाव को और जीत कर जो लोगों की समस्याएं थी, जिनको शिकायतें थी, उन शिकायतों को दूर करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो चुनाव चिन्ह था, चाहते तो आप चुनाव चिन्ह ले सकते हैं। चुनाव चिन्ह से कुछ फर्क पड़ता है क्या कि आपने अगर मायावती का चुनाव चिन्ह ले लिया, भाजपा का चुनाव लिया, कितनी लड़ाई होती है कांग्रेस के लिए ले लिया, जी। तो उस लड़ाई में आप क्यों नहीं कूद रहे हैं? क्या उससे फर्क पड़ता है क्या पार्षद चुनाव में? जी, पार्टी के जो ये छोटा चुनाव है, ये एक छोटा चुनाव, फेस का चुनाव है। पब्लिक जिसको जानती है उसको वोट करती है और इस चुनाव में पार्टी से ज़्यादा आदमी की फेस वैल्यू काम करती है, क्योंकि मैं डायरेक्ट 5 साल पब्लिक के बीच जुड़ा रहा हूँ। उनके साथ मैंने कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम किया है, पब्लिक की समस्याओं को सुना है और उनका समाधान किया है। तो इसमें मुझे लगता नहीं है किसी टिकट की आवश्यकता थी और मैं निर्दलीय लड़कर जो मेरा पुराना चुनाव चिन्ह है कार, उसी पर मैं चुनाव इस बार लड़ रहा हूँ। अच्छा, जो आपका कार्यकाल था, क्या क्या कमियाँ छूट रही हैं आपसे, कर ही नहीं पाए आप? जी। देखिए, ऐसा तो खैर कोई काम नहीं रहा जो मैं कर ही नहीं पाया, प्रयास तो मैंने सभी कामों किए। लेकिन जैसे कि रोड, 90% हमने रोड बनवाने का काम किया, सड़कें बनवाने का काम किया और उनकी मरम्मत का काम किया। लेकिन अभी भी 10% सड़कें रह गई हैं, वो कुछ टेक्निकल कारण रहे, जिसमें कि एक कारण ये रहा कि 2 साल कोरोना काल में हमारे काम प्रभावित रहे। कोरोना काल की बात करें तो वो मन में एक सवाल उभर के आता है, जब कोरोना काल था मैक्सिमम लोग सारी सिक्योरिटी बंद थी, पुलिस वाले ये सब सारे बंद है, हम लोगों को भी वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया, बहुत मुश्किल से हम लोग बाहर निकल पाते थे। क्या आप भी उस समय घर में बंद थे? नहीं, पूरे कोरोना काल के अंदर जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, अपने घरों के अंदर कैद थे, बंद थे, उन दिनों मैं रोड पर रहा, पब्लिक के बीच रहा और मैंने जो अभी मुझसे बन पड़ा, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं की बात हो और चाहे जो प्रवासी अलग अलग प्रदेशों के रहने वाले हमारे क्षेत्र में रहते थे उनको घर पहुंचाने का काम हो, मैंने पूरी भरपूर मदद उन लोगों की, और जो भी सरकारी योजनाएं हमें प्राप्त होती रही उनको हमने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। अच्छा, जो लोग आपसे नाराज़ हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जो लोग हमसे नाराज़ हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि एक मौका और हमें दीजिए और इसमें जो आपकी नाराज़गी है और जो भी आपको लगता है कि काम नहीं हुए हैं उनको हम पूरा करने का काम इस कार्यकाल में करेंगे।